जम्मू कश्मीर में दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन उम्मीद स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहन दे रही है और जो खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को बेहतर आजीविका उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। इस मिशन के लाभार्थियों ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने पर कैसे उनके जीवन में अच्छा समय आया और उन्हें गरीबी से बाहर निकलने में सहायता मिली। मेरा नाम रोहिणी है। मैं किसी के घर में काम करके बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करती थी। उम्मीद से मुझे बहुत फायदा हुआ। पहले तो GIF आया, उससे मैंने 10,000 लिया, अपने बच्चे की एडमिशन करवाई, उसे स्कूल भेजा। फिर मैंने BLO लिया 25,000, उससे मैंने एक गाय ली, दूध बेचना स्टार्ट किया, अपनी दुकान थी, अब इधर अपना काम कर रही हूँ। लाभार्थियों का मानना है कि उम्मीद ने उन्हें उनके सामर्थ्य, क्षमता और कौशल को पहचानने का अवसर प्रदान किया। मेरा नाम संतोष कुमारी। सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को बाइक लेके दी, वो होम डिलीवरी का काम करते थे, बड़ा मुश्किल होता था। उसके बाद मैंने लोन लिया 50,000, फिर हमने ये दुकान डाली। मेरा एक बेटा है, उसे भी मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाती हूँ। उम्मीद के तहत व्यवसायिक इन महिला संस्थाओं को विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण देते हैं। मेरा नाम आभा कोतवाल है और मैं ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर बिश्नाह से। हमारा प्रोग्राम पिछले 4 साल से चल रहा है, 2014 से। उम्मीद स्कीम के अंडर हमारे ब्लॉक में 923 एक्टिव एसएचजीज हैं। इनमें सिर्फ हमारी महिलाएं ही हैं जिनको हम वेरियस लाइवलीहुड के लिए मिनिमम इंटरेस्ट में इनको लोन प्रोवाइड करते हैं। अभी तक राज्य में 70 ब्लॉकों में 29,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जिनका 2,65,000 से अधिक महिला सदस्य लाभ उठा रही हैं। योगेश शर्मा, आकाशवाणी समाचार, जम्मू।